एप्पल इज इक्वल्स टू शाओमी, अगर एप्पल जो है सबसे महंगे प्रोडक्ट बनाने में बेस्ट निकल कर आता है तो ऐसी शाओमी जो है सबसे सस्ते प्रोडक्ट में बेस्ट निकल कर आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट स्टिल मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के वीडियो में। तो भाई मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक बार। एक बात तो भाई सबको क्लियर है कि शाओमी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है बट वो इंडिया में कभी आते नहीं क्योंकि वो इंडियन मार्केट के लिए सूटेबल नहीं होते। इस चीज को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास आज मी नोटबुक एयर है, शाओमी का ही लैपटॉप है, ये बहुत ही कमाल का लैपटॉप है, वैल्यू फॉर मनी से भी ऊपर निकल कर आता है। बट स्टिल मैं आप लोग को कह सकता हूं अगर ये इंडिया में आता है तो ये नहीं चलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहली बात तो भाई इस लैपटॉप में ठीक से ब्रांडिंग नहीं की हुई। थोड़ा सा अगर आप इस लैपटॉप को दूर से देखोगे तो ये थोड़ा सा बॉक्सी लगता है, थोड़ा सा डब्बे वाली फीलिंग देता है। और क्योंकि इसमें कोई भी लोगो नहीं है तो भाई ये इस लैपटॉप को ऐसा फील कराता है कि ये लैपटॉप ब्रांडेड नहीं है। आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को अभी भी याद है एक कंपनी आई थी इंडिया में डिटर्जेंट की, जो कपड़े धोने का बहुत ही अच्छा केमिकल लेकर आई थी, और केमिकल ही उनका जो साबुन था कपड़े धोने का वो सारे के सारे इनके कॉम्पिटिटर से बहुत ही कमाल का था। बट स्टिल वो इंडिया में चला नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी उससे कोई कपड़े धोता था तो उसमें ना झाग नहीं बनते थे, तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई झाग नहीं बन रहे तो कपड़े भी नहीं धुल रहे होंगे, तो वो ऐसे ही फ्लॉप हो गया। तो भाई यहीं पे सेम इस लैपटॉप के साथ हो सकता है, क्योंकि हमें इसके फ्रंट में कोई भी लोगो नहीं देखने को मिलता, तो लोगों को लगेगा कि भाई ये बिल्कुल भी ब्रांडेड नहीं है, तो ये ऐसे ही डब्बा लैपटॉप है, ऐसे ही कोई भी उठाया हुआ लैपटॉप है, तो मे बी लोग उसको ना प्रेफर करें। बट जैसे ही इस लैपटॉप को कोई हाथ में लेगा तो तब उसको समझ में आएगा कि भाई ये पूरी मेटेलिक बॉडी के साथ आता है, बहुत ही कमाल का इसका डिज़ाइन है, इतना अच्छा कीबोर्ड है इस लैपटॉप के अंदर, जो इसका ट्रैक पैड है वो पूरा ग्लास का है जो कि बहुत सही फीलिंग देता है, और ऊपर से हमें इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। इतनी कमाल की डिस्प्ले है यार इस लैपटॉप की, इतने कम बेजल्स है, फुल HDMI इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लाइट वेट है, और लाइट वेट वो भी मेटेलिक बॉडी होने के बाद भी। इतना ही नहीं, हमें इसमें HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी भी है, USB 2.0 भी है, और सबसे बड़ी बात हेडफोन जैक भी है, और ऊपर से जो इसकी थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि इतने सारे पोर्ट्स को डिफाइन करे। इन शॉर्ट जो इसकी वैल्यू है 40,000 रुपये की, मेरे हिसाब से भाई इस लैपटॉप कुछ ज़्यादा ही ऑफर कर रहा है हम लोगों को डिज़ाइन के परस्पेक्टिव में। तो खासकर दूसरा रीज़न कि ये जो लैपटॉप है इंडियन मार्केट में नहीं चलेगा, उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि Xiaomi जो है आज के टाइम पे इंडिया में स्मार्टफोन ब्रांड के नाम जाना जाता है, ना कि लैपटॉप के ब्रांड से। और जितना यार मैं कॉमन बंदों को जानता हूं वो खासकर ब्रांड देखकर लैपटॉप लेते हैं कि भाई इस वजह से चाहिए HP, Dell, मुश्किल है Xiaomi के इस लैपटॉप का इतनी आसानी से बिकना। मेरे हिसाब से Xiaomi जो है सारी बातें बहुत ही डिटेल में और अच्छे से जानता है कि इंडियन मार्केट में एक्चुअली में चलना क्या है, और जैसे इसके ऊपर लोगो आ गया इसके फ्रंट में तो देख लेना भाई Xiaomi कोशिश करेगा कि इंडियन मार्केट में लैपटॉप पुश हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में लैपटॉप बड़े सही है। एप्पल इज इक्वल्स टू Xiaomi, और इस चीज़ को मैं मीन करता हूँ, और ऐसा मेरे को लगता है कि एप्पल और Xiaomi जो है बराबर के होते जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ शोरूम्स के बारे में, तो भाई आज से पहले मैं एक ही ब्रांड को जानता था जिसके डेडिकेटेड शोरूम होते थे, वो होता था एप्पल, और एक्चुअल में एप्पल के जो स्टोर होते थे वो बहुत ही सही बने हुए होते थे, और सेम अब Xiaomi कर रहा है। दिल्ली के अंदर तो इतने कमाल के MI स्टोर्स है, इतना अच्छा इंटीरियर है, पूरा वाइट पेंट होता है, सारे फ़ोन अच्छे खासे जचाए हुए होते हैं, और बंदे भी अंदर बड़े सही रहते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं, तो ये एक चीज है जो बहुत मैटर करती है, और कहीं ना तो कहीं एप्पल इज इक्वल्स टू Xiaomi बनाती है। दूसरा रीजन जो एप्पल और Xiaomi को सिमिलर बनाता है वो है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है, जैसे कि हम जानते हैं एप्पल बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है जो आपस में बहुत अच्छा काम करते हैं, सेम हमारा Xiaomi भी कर रहा है। Xiaomi के बैंड है, MI बैंड बहुत पॉपुलर है, Xiaomi के फोन है, लैपटॉप मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपस में बहुत अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, और आपस में सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल सिंग्ड रहते हैं। तो ये एक और रीजन है जो मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, और Xiaomi को बिल्कुल कंटिन्यू करके रखना चाहिए, और इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट और लेकर आने चाहिए जो इनके इकोसिस्टम को अच्छा खासा डेवलप करें। अगर मैं Xiaomi के लैपटॉप की बात करूं तो ये पूरा का पूरा इंस्पायर्ड है MacBook Air और MacBook Pro जो हम एप्पल की तरफ से देखने को मिलती है। अगर आप इसमें से सिर्फ मैक हटा दो जो उनकी मैक OS है, नहीं तो भाई हर एक चीज में सिमिलर देखने को मिल जाती है। भाई वही कीबोर्ड है MacBook Air का, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कीबोर्ड देखने को मिलता है, और जो इस लैपटॉप का कलर है स्पेस ग्रे सबसे पहले MacBook Pro में ही आया था, और ऊपर से जो ट्रैक पैड है ग्लास फिनिश का है, तो हाँ ये कुछ कुछ चीजें हैं जो पूरी एप्पल जैसी ही है। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी के बारे में, जिसमें भाई फेमस माना जाता है एप्पल, जो इनके मैक OS सिस्टम होते हैं वो कुछ ज्यादा ही स्टेबल होते हैं, ज्यादा क्रैश नहीं होते, ये जो सेम स्टेबिलिटी है विंडोज के अंदर Xiaomi लेकर आ रहा है। ये जो विंडोज वाला लैपटॉप है मैं ठोककर बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल मैंने आज तक का विंडोज यूज किया है, छोटे मोटे टास्क के लिए, मैं हैवी टास्क के लिए बात नहीं कर रहा। कुछ भी कहो 40,000 रुपये के प्राइस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और बहुत ही कमाल का और फीचर्स से भरा हुआ लैपटॉप है।
इस लैपटॉप का प्राइस 40,000 रुपये है और 40,000 रुपये के हिसाब से ये इंटेल कोर i5 8th generation दे रहे हैं, 256 GB की SSD दे रहे हैं और ऊपर से डॉल्बी एटमोस और लाइफ टाइम फ्री के लिए अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर है जो कि अगर मैं कंपेयर करूँ मैकबुक एयर से तो उनके क्या बराबरी के निकल कर आते हैं या फिर मैं कहूँ उनसे ऊपर निकल कर आते हैं। तो आप देख लो कि 40,000 रुपये में कितना कुछ दे दिया Xiaomi ने, और वहीं पर अगर मैं बात करूँ एप्पल मैकबुक एयर के बारे में तो वो उसका प्राइस 60,000 रुपये है। तो मतलब कहीं ना तो कहीं भाई ये बेटर ही है हर एक पर्सपेक्टिव में। ऑब्वियसली यार कोई भी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, तो कमियां तो सभी चीज़ों में होती है, इसमें भी है। मैं जब इसको अपने चाइना से लेकर आया तो ये पूरी चाइनीज लैंग्वेज में है लैपटॉप, और जैसे ही मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा जो लाइफ टाइम के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री मिला है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा जो मेरे को हिट कर सकती है, इसलिए मैं इसको, क्योंकि मुझे आइकन्स पता है विंडोज़ के कहाँ पर क्या होता है, तो इसको मैं अपना इंग्लिश में अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूँगा। दूसरी मैं कमी कहना चाहूँगा इसके बैटरी बैकअप के अंदर, क्योंकि Xiaomi क्लेम करता है हमें इसमें 12 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, बट एक्चुअली मेरे को मिला सिर्फ 5 घंटे का या फिर 4 घंटे का बैटरी बैकअप, जिसमें मैं कोई हैवी टास्क नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ क्रोम पे वीडियोस देखी और थोड़े बहुत कमेंट्स का रिप्लाई किया है और थोड़े बहुत ईमेल्स चेक कर रहा था, इतने में ही बैटरी ड्रेन होती चली गई इतनी आसानी से, क्योंकि इसकी डिस्प्ले बहुत छोटी है। वैसे डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है बट स्टिल छोटी डिस्प्ले होने की वजह से मेरे को लगा था कि बैटरी बैकअप जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कमी है जो मैं कहना चाहूँगा बैटरी बैकअप और बेटर हो सकता है। तीसरी कमी यार मेरे को ये लगती है कि हमें इसमें हीटिंग इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ और अच्छी खासी ठंड हो रही है, बट स्टिल मैंने इसमें थोड़े बहुत परफॉर्मेंस चेक करने के लिए थोड़े हैवी टास्क करके देखे, वीडियो एडिटिंग कर रहा था मैं और पूरे का पूरा नीचे का बैक पैनल जो है हद से ज़्यादा गर्म हो गया था, सर्दी होने के बाद भी गर्म हो गया था। तो मैं सोच रहा हूँ गर्मियों में तो बिल्कुल आग सी लग जाएगी। तो हाँ भाई मेरे हिसाब से Xiaomi को इसके लैपटॉप के अंदर हीटिंग इश्यूज को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। हाँ मैं समझता हूँ कि यार लैपटॉप बहुत ही सस्ता है और ऊपर से गेमिंग के लिए नहीं बनाया, फिर हैवी टास्क के लिए नहीं बना, ये सिर्फ नॉर्मल यूज के लिए बनाया, बट मैं ये फिर भी इन्फॉर्म करना चाहता था, मे बी कोई वीडियो देख के खरीदने की सोच रहा हो तो उसको हीटिंग इश्यूज का पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस लैपटॉप के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर मैं बात करूँ गेमिंग के बारे में तो भाई मेरे को बहुत मज़ा आया, मैंने छोटे मोटे गेम्स खेले हैं, मैं कोई हैवी गेमर नहीं हूँ बट मुझे इतना पता है कि हाँ भाई ये थोड़े बहुत गेम्स चला लेगा, हाई सेटिंग्स पे नहीं तो एटलीस्ट भाई मीडियम सेटिंग्स पे तो बिल्कुल आराम से आप इस पे गेम्स खेल सकते हो, और क्योंकि इसकी डिस्प्ले बहुत कमाल की है तो आपको बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस भी रहेगा। अगर मैं बात करूँ कीबोर्ड के बारे में तो हाँ मेरे को लगता है कि उसमें जो रिस्पॉन्स है वो इतना कमाल का नहीं है, थोड़ा सा लगता है कि नीचे रबराइज्ड कोटिंग करी गई है जो कि मतलब फील नहीं आने देता कि भाई हमने क्लिक किया है। तो ये सेम चीज़ जो है मैं मैकबुक प्रो में भी सह रहा हूँ तो भाई मेरे को कोई खास बड़ी बात नहीं लगती है। बट अगर मैं बात करूँ इसके ट्रैक पैड के बारे में तो भाई ये एक चीज़ है जो बहुत ही सही लगी मेरे को और फीलिंग दे रही थी मेरे को एप्पल की, और बहुत ही स्मूथ ट्रैक पैड था। तो ये एक चीज़ है जो बहुत इसकी कमाल की है। ऊपर से जो HDMI पोर्ट होने की वजह से आप आराम से इसमें एक एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हो और गेमिंग वेमिंग करनी हो छोटी मोटी या फिर मूवीज़ देखनी हो तो आप आराम से बिल्कुल कर सकते हो। ऊपर से जो इसका विंडोज़ का एक्सपीरियंस था वो कुछ ज़्यादा ही स्टेबल था और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने इन्जॉय किया इस लैपटॉप को। तो भाई मैं आप लोग को बहुत आराम से बोल सकता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो एक विंडोज़ लैपटॉप खरीदने में और आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि ब्रांड कौन सा है तो आप ज़रूर एक बार Xiaomi के लैपटॉप पर ज़रूर ध्यान देना, सच में काफ़ी अच्छा और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है यार ये। तो यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है। लास्ट में आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा भाई इस लैपटॉप को यूज़ करने में मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा सही था, बट देखते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या ये लैपटॉप आते हैं। अगर आएंगे तो भाई मैं आप लोग को शॉर्ट ही देता हूँ कि मैं इनको अच्छे से रिव्यू करूंगा और बिल्कुल लॉन्ग टर्म रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आया करूंगा, पक्का प्रॉमिस है मेरी तरफ से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करके मेरे को जरूर बताना और सब्सक्राइब करके माई टेक गैंग को ज्वाइन करो, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।